Yes, students, very good morning to all of you. So today we are going to discuss our next kind, that is relative pronouns. So a relative pronouns refer to or refers to some noun or pronoun that has gone before it. For example, relative pronouns are that, which, who, whom, whose. तो दैट ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होता है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ क्लॉज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रेफर टू अ नाउन. ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प अस टू क्लैरिफाई विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट और टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. मीन्स रिलेटिव प्रोनाउंस टेल अस इन द सेंटेंस अबाउट विच ऑब्जेक्ट वी आर टॉकिंग टू. The relative pronouns who and whom are used to talk about people. Who and whom we use for people. Who can also be used for pet animals. Whose can be used for people, animals and things. Means there is no hard and fast rules that which, who, whom, whose we can use for both persons and animals or for things also. जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट इट रेफर्स टू. अब यहाँ पे देखिए, द मैन हु स्टोल जैक्स कार हैज़ बीन कॉट. तो बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंस वी हैव यूज हु मतलब होते हैं जिसने, वैसे तो होता है हु इज़ दिस, कौन है, तो हु यहाँ पे यूज़ हुआ है जिसने. द मैन हु स्टोल जैक्स कार, वो पर्सन, वो मैन जिसने जैक की कार स्टोल की थी हैज़ बीन कॉट. नाउ नेक्स्ट इज द मैन हुम द पुलिस कॉट यस्टरडे हैड स्टोलन जैक्स कार. तो यहाँ पे अब क्या है, देखो वो मैन जिसको, हुम होते हैं जिसको पुलिस ने पकड़ा कल को, कल पकड़ा, यस्टरडे होता है द प्रीवियस डे. द मैन हुम द पुलिस कॉट यस्टरडे हैड स्टोलन जैक्स कार. तो उसने उस पर्सन को पुलिस ने पकड़ लिया है जिसने जैक की कार को चोरी किया था. जैक हुज कार वाज स्टोलन यस्टरडे इज अ डॉक्टर. तो अब क्या बताया गया है, जैक हुज कार, जिसकी कार चोरी हुई, इज अ डॉक्टर. तो बेटा एज यू कैन सी द मीनिंग्स आर वेरी मच क्लियर. हुम होता है जिसकी, हुज होता है जिसका. ठीक है, नेक्स्ट द कार विच जैक बॉट यस्टरडे. तो फॉर थिंग्स वी यूज विच. वो कार जिसको जैक ने कल खरीदा था हैज़ बीन स्टोलन, वो चोरी हो चुकी है. सो बेटा इन दिस वे, इन दीज सेंटेंसेज, the relative pronoun which refers back to the noun that is the car. तो फिर कार के लिए हमने क्या यूज़ किया है, which. यहाँ पर जैक इज़ द पर्सन, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया relative pronoun, whose. the man, whom. तो बेटा persons के लिए what we can use, whose, whom, who. ठीक है, now coming to next example. That can be used to talk about people, animals or things. अब यहाँ पर देखो चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है. द कार दैट मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज वर्थ ओवर $50,000. तो यहाँ पर कॉस्ट बताई गई है कि जो जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो कितने की है, $50,000 की है. तो यहाँ पर दैट रेफर कर रहा है बैक टू द नाउन. तो यहाँ पर दैट नाउन को रेफर कर रहा है जो कि क्या है, कार है. इट आइडेंटिफाइज द कार एज नॉट जस्ट एनी कार बट द वन दैट मेट विद एन एक्सीडेंट. मीन्स यहाँ पे किस कार की बात हो रही है, स्पेशल कार की बात हो रही है. ठीक है, कि वो कार जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी कॉस्ट कितनी थी, $50,000. जो रिलेटिव प्रोनाउंस है आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज. ये टू सेंटेंसेज को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं. For example, this is the cookie, I want to eat it. So instead of full stop, what we will use? Relative pronoun. This is the cookie that I want to eat. कि ये वो वाली कुकी है जिसको मैं खाना चाहता हूँ. Next,
आई सॉ द मैन हिज बाईसाइकिल वॉज स्टोलन। सो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन मैन के लिए क्या होगा, देखो आई सॉ द मैन, हु तो आएगा नहीं, हु बाईसाइकिल वॉज स्टोलन, विच बाईसाइकिल वॉज स्टोलन ये भी गलत है, हुम बाईसाइकिल वॉज स्टोलन ये भी गलत है। सो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज हुज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज टू इट्स। हाँ जी बेटा, पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट। द नाउन और प्रोनाउन इट रेफर्स बैक टू। सैम हु ओन्स द पेस्ट्री शॉप, तो यहाँ पे सैम और उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, हु। सैम हु ओन्स द पेस्ट्री शॉप, जिसकी पेस्ट्री शॉप है, इज स्टैंडिंग विद मिस्टर मिगिन्स। तो बेटा यहाँ पे पर्सन के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हु। सो बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड्स दैट विच, हु, हुम एंड हुज, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।